हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मगध शुगर स्टॉक के बारे में, और हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या लेवल्स इसमें खरीदारी के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ट्रेंड की बात करता हूँ। स्टॉक अप्रैल 2022 से नीचे गिरा और नीचे ही गिरता गया, यहाँ स्टॉक ने बेस बना दिया अपना, यहाँ पे आकर के बेस बनाया, क्योंकि स्टॉक ने कई बार ये वाला सपोर्ट टच किया है। आप देख पा रहे हैं काफी बार जो स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक का, यही माना जाएगा लगभग 272 रुपए का। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो अभी फिलहाल में स्टॉक अप ट्रेंड में है, ट्रेंड अप किया है, तो अभी स्टॉक में संभावना क्या हो सकती है। तो अभी मैंने जो ट्रेंड लाइन आपके लिए तैयार की है वो ट्रेंड लाइन है। स्टॉक ने दूसरी बार यहां टच किया, देन ऊपर गया, हो सकता है तीसरी बार फिर से यहां टच कर करके ऊपर जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस तैयार करूंगा। आपके लिए जो सपोर्ट है, अभी जो स्टॉक लेकर चल रहा है, स्टॉक के लिए एक सपोर्ट ये निकल करके आता है लगभग 380 रुपए के आसपास, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो आप रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो है ये लगभग 410 रुपए के आसपास। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं ये सपोर्ट आपको बता दिया मैंने, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो अभी क्या हो सकता है फ्रेंड्स, स्टॉक यहां आकर के नीचे सपोर्ट ले सकता है, फिर देन आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, और उसके बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा और ये वाला लेवल ब्रेक करेगा 410 रुपए का, तो फिर आपको एक स्टॉक में अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहां से निकल कर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, तो यही संभावना है स्टॉक में। और अगर मैं आपसे बात करूं अगले टारगेट की, अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए जो टारगेट देखने को मिलेगा वो है लगभग 455 रुपए के आसपास, ये टारगेट्स होगा फ्रेंड्स। हालांकि मुझे भी लग रहा है स्टॉक, क्योंकि अगर मैं यहां से आपको मूविंग एवरेज दिखाऊं तो मूविंग एवरेज में कोई काफी ज्यादा मतलब फ्लैक्चुएट नहीं है, नजदीक में है दोनों। जैसे ही स्टॉक से सॉरी जो 50 डे से 20 डे मूविंग एवरेज दूर भागेगा, समझ लीजिए स्टॉक में मूवमेंट आने की संभावना है। अभी यही लेवल्स है। और अगर आप आरएसआई में बात करें तो आरएसआई आपको यहाँ नीचे गिरती हुई दिखी थी, अगर मैं यहीं से ट्रेंड लाइन डाल दूं तो शायद ट्रेंड लाइन को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया। ये है ट्रेंड लाइन, ओ ये ट्रेंड लाइन थी, स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी करके नीचे गया था। इसको ब्रेक जैसे ही करता है, ब्रेकआउट देता है, फिर आपको दिन मूवमेंट अच्छा स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है, अभी इस स्टॉक से दूर रहें। अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो 380 से 410 रुपए के लेवल के बीच में खरीदारी कर सकते हैं, यही सिर्फ आपके लिए एक मूवमेंट है। बाकी नहीं तो अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहां से ब्रेकआउट होगा 410 रुपए से, तो आपके लिए 450 रुपए तक का टारगेट तैयार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।